हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन पाठ 2 व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप में अविभाजित हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एकांकी व्यवसाय के बारे में पढ़ाया था, तो सबसे पहले हम संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं, उसका अर्थ पढ़ेंगे। संयुक्त अविभाजित हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का अर्थ। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का आशय व्यवसाय के उस स्वरूप से है जो एक अविभाजित हिंदू परिवार के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर परिवार के कर्ता के नियंत्रण में चलाया जाता है। इस व्यवसाय पर हिंदू लॉ के प्रावधान लागू होते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम द्वारा संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय को मान्यता दी गई है। तदनुसार संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय संगठन के लिए 2 शर्त पूरी होना जरूरी है। परिवार के पास कुछ संयुक्त संपत्ति हो तथा परिवार के कम से कम 2 सदस्य ऐसे अवश्य हो जो संयुक्त संपत्ति के विभाजन की मांग कर सके। संयुक्त हिंदू परिवार के प्रकार। अगला पॉइंट है संयुक्त हिंदू परिवार के प्रकार। नंबर इसमें हिंदू लोग के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 दाएं भाग संप्रदाय, केवल पश्चिम बंगाल में यह लागू होता है। इसमें संतान को संयुक्त संपत्ति के अधिकार उसके पिता की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होने का प्रावधान है। नंबर 2 पॉइंट है मिताशरा संप्रदाय, यह शेष भारत में लागू होता है। इसमें बालक गर्भ में आने के बाद ही परिवार का सहभागी बन जाता है तथा संपत्ति में उसका अधिकार बन जाता है। इसमें पुरुष सदस्य ही सहभागी बनने के अधिकारी होते हैं, जबकि दाएं भाग संप्रदाय में पुरुष व स्त्री दोनों सदस्य सहभागी होते हैं। सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के पारित होते ही दाएं भाग संप्रदाय तथा मिताशरा संप्रदाय का अंतर समाप्त हो गया और अब सभी संयुक्त हिंदू परिवारों में एक समान उत्तराधिकार व्यवसाय लागू हो गई है। अब पुरुष तथा स्त्री दोनों प्रकार के सदस्यों को परिवार की संयुक्त संपत्ति में भागीदार बनने का अधिकार है। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता की भूमिका, इसका क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार में पितामह से चली आ रही संपत्ति भी पैतृक संपत्ति कहलाती है, जिस पर पुत्र तथा पौत्र सभी का सस्वामित्व होता है। पिता परिवार का मुखिया होने के नाते सामूहिक संपत्ति का स्वामित्व धारण करता है एवं उसका प्रबंध करता है। मुखिया को कर्ता भी कहते हैं, जिसे व्यवसाय चलाने, व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेने, व्यवहार करने तथा उधार लेने आदि का पूरा अधिकार होता है। कर्ता की मृत्यु के बाद संपत्ति तथा स्वामित्व का अधिकार उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो जाता है। परिवार के अन्य सदस्य कर्ता के निर्णय के विरुद्ध आपत्ति नहीं उठा सकते। हाँ, यदि वे आवश्यक समझे तो बंटवारे की मांग जरूर कर सकते हैं। कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का दायित्व सामूहिक संपत्ति तक ही सीमित होता है। इस प्रकार कर्ता का दायित्व असीमित होता है। आगे हम संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की विशेषताएँ या आवश्यक लक्षण पढ़ेंगे। अविभाजित हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की विशेषताएं या आवश्यक लक्षण निम्न प्रकार है। नंबर 1 हिंदू लॉ के प्रावधान लागू होना। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में सदस्यों व कर्ता के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व हिंदू लॉ द्वारा नियमित और नियंत्रित होते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 भी इस व्यवसाय पर लागू होते हैं। दूसरा पॉइंट है कर्ता का दायित्व। कर्ता का दायित्व असीमित होता है। नंबर 3 पॉइंट है सदस्यों का दायित्व। सदस्यों का दायित्व संपत्ति के उनके भाग की सीमा तक रहता है। नंबर 4 व्यावसायिक ऋणों के भुगतान का दायित्व। व्यावसायिक ऋणों के भुगतान का दायित्व सदस्यों की निजी संपत्ति पर न होकर कर्ता की निजी संपत्ति पर होता है। नंबर 5 है जन्म से भागीदारी।
जन्म लेते ही बालक पूर्वजों की संपत्ति में तथा संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय में भागीदार बन जाता है। नंबर 6, अवयस्क की सदस्यता। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में अवयस्क जन्म से सदस्यता प्राप्त कर लेता है। नंबर 7, स्त्री की सदस्यता पर प्रतिबंध। हिंदू लॉ के अंतर्गत पारिवारिक व्यवसाय में जन्म से केवल पुरुष सदस्य ही संपत्ति के भागीदारी बन सकते थे, स्त्री सदस्यों का कोई भाग नहीं मिलता था। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 पारित होने के बाद अब पुरुष सदस्य की मृत्यु के बाद उससे संबंधित स्त्री भी व्यवसाय की सदस्यता प्राप्त कर सकती है। नंबर 8, पुराना हिसाब। सदस्यों की संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय के कर्ता से व्यवसाय का पुराना हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है। नंबर 9, प्रबंध व नियंत्रण। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का दायित्व किसी वयस्क सदस्य को ही सौंपा जाता है जो परिवार का मुखिया या कर्ता होता है। कर्ता को ही महत्वपूर्ण अनुबंध करने, ऋण लेने तथा अन्य फैसले करने का अधिकार होता है। नंबर 10 पॉइंट है, व्यवसाय की निरंतरता मृत्यु से प्रभावित नहीं होना। परिवार के कर्ता या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने से व्यवसाय की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात व्यवसाय चलता रहता है। नंबर 11 पॉइंट है, पंजीयन की अनिवार्यता नहीं। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। नंबर 12 पॉइंट है, पृथक निजी संपत्ति रखने का अधिकार। परिवार का कर्ता तथा सहभागी सदस्य को अपनी पृथक व्यक्तिगत संपत्ति परिवार में रखने का अधिकार होता है। आगे हम संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के गुण या लाभ पढ़ेंगे। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के लाभ निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पॉइंट है, कानूनी औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय की स्थापना, संचालन तथा समाप्ति के लिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने का बंधन नहीं है। जब चाहे तब शुरू किया जा सकता है और जब चाहे तब बंद किया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट है, व्यवसाय के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता। कर्ता को संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के चुनाव की पूरी स्वतंत्रता रहती है। अपनी इच्छा के अनुसार वह कोई भी वैध व्यवसाय शुरू कर सकता है। नंबर 3 पॉइंट है, निर्णय लेने में स्वतंत्रता। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के कर्ता मुखिया को परिवार के अन्य भागीदारों की संपत्ति लेने की जरूरत नहीं होती है, वह स्वयं ही सभी प्रकार के निर्णय ले सकता है। नंबर 4 पॉइंट है, संचालन तथा प्रबंध का भार। व्यवसाय के संचालन एवं प्रबंध का भार कर्ता के कंधों पर रहता है, इसके लिए उसे अन्य भागीदारों से परामर्श करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 5, ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क। कर्ता का ग्राहकों से सीधा संपर्क रहता है, अतः वह उनकी रुचि व मांग के अनुसार उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सकता है। नंबर 6, कर्मचारियों से मैत्रीपूर्ण संबंध। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता तथा कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध आसानी से स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि कर्ता कर्मचारियों की योग्यता व कमियों से व्यक्तिगत रूप से पूर्णतः परिचित रहता है तथा सुधार के लिए सतत प्रयासरत रहता है। नंबर 7 पॉइंट है, साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। चूँकि व्यवसाय का संपूर्ण भार प्रत्यक्ष रूप से कर्ता के कंधों पर रहता है, अतः वह सीमित साधनों के श्रेष्ठतम उपयोग एवं मितव्ययता पर अधिक ध्यान देता है। उसका लक्ष्य कार्य क्षमता में वृद्धि कर अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। नंबर 8, ऋण प्राप्त करने में सुविधा। चूँकि कर्ता का दायित्व असीमित रहता है और ऋण के भुगतान के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ साथ उसकी निजी संपत्ति भी दायी रहती है, अतः ऋण मिलने से सुविधा रहती है। नंबर 9, पैतृक ख्याति का लाभ। पैतृक व्यवसाय की दशा में कर्ता को अपने पूर्वजों की ख्याति व लोकप्रियता का पूरा लाभ मिलता है और उसे नए सिरे से कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। वह अपनी ईमानदारी, निष्ठा व परिश्रम से इसमें निरंतर वृद्धि करने का प्रयास करता है, जिसका लाभ भविष्य में उसे स्वयं और परिवार के सभी सदस्यों को मिलेगा। नंबर 10, गोपनीयता। व्यवसायिक गोपनीयता सफलता की कुंजी मानी जाती है। आधुनिक प्रतिस्पर्धा के युग में तो यह और भी आवश्यक है। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में
सारी बातें कर्ता को ही मालूम रहती है, अतः गोपनीयता बनी रहती है। नंबर 11, सतर्कता। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता सदैव सतर्कता बरतता है। वह भली भांति जानता है कि उसकी असावधानी होने वाले नुकसान का भार परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में स्वयं उस पर ही कहीं अधिक रहता है और परिवार के अन्य सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, जबकि उसका दायित्व असीमित होता है। नंबर 12, शाश्वत अस्तित्व। कर्ता या परिवार से किसी सदस्य की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन या अयोग्यता का व्यवसाय के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। आगे हम संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की हानियां अथवा दोष या सीमाएं पढ़ेंगे। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की हानियां दोष या सीमाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पॉइंट, कर्ता का असीमित दायित्व। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है, जो दुधारी तलवार की भांति होता है। एक ओर तो कर्ता जी तोड़ मेहनत करता है तथा दूसरी ओर वह सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से दोनों प्रकार से उत्तरदायी रहता है। यदि कोई ऋण परिवार के संयुक्त संपत्ति में से नहीं चुकाया जा सकता हो तो कर्ता की निजी संपत्ति से ऐसे ऋण की वसूली की जा सकती है। नंबर 2 पॉइंट है, सीमित साधन। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पूंजी की मात्रा प्राय परिवार के निजी साधनों तक सीमित होती है, अर्थात पूंजी के लिए परिवार या इष्ट मित्रों के आर्थिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो सीमित होते हैं। बड़े पैमाने का व्यवसाय चलाना परिवार की सामर्थ्य के बाहर है। नंबर 3 पॉइंट है, प्रबंध दक्षता की सीमितता। किसी एक व्यक्ति से चाहे वह कितना ही योग्य हो, यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सभी कार्यों में निपुण होगा और व्यवसाय की छोटी से छोटी बात की उसे जानकारी होगी। संयुक्त परिवार के कर्ता पर भी यही बात लागू होती है। कुशल तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर अत्यधिक वेतन देना पड़ता है, जो व्यवसाय की क्षमता के बाहर है। जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ता जाता है और कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण की समस्या भी बढ़ती जाती है। विशेषज्ञों की ऐसी राय है कि संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय छोटे पैमाने पर करना ही उपयुक्त रहता है। नंबर 4, गोपनीयता संदेह को जन्म देती है। संयुक्त परिवार व्यवसाय की गोपनीयता भी कभी कभी उसके विकास में बाधक बन जाती है। जब तक ऋणदाता को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की सही जानकारी नहीं होगी, तब तक वह बढ़ते हुए व्यवसाय के लिए अधिक ऋण क्यों और कैसे देगा। अतः संयुक्त परिवार के व्यवसाय को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। नंबर 5, जल्दबाजी में निर्णय। संयुक्त परिवार के व्यवसाय में कर्ता बिना अन्य सहभागियों के परामर्श के व्यावसायिक मामलों में जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है, जिससे लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है और व्यवसाय बंद करने की नौबत आ सकती है। नंबर 6, सीमित ख्याति। साझेदारी तथा कंपनी संगठन की ख्याति की तुलना में संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता की ख्याति सीमित होती है। इसलिए समय पर पर्याप्त साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर व्यवसाय को नुकसान होता है, विकास की योजनाएं लागू करने में कठिनाई होती है। नंबर 7 है, शक्ति का दुरुपयोग। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में अधिकारों का केंद्रीकरण कर्ता के हाथों में रहने से वह शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है। कर्ता अपनी इस शक्ति का उपयोग स्वयं के व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए करने लगता है तथा गोपनीय ढंग से अपनी निजी संपत्ति बना लेता है। नंबर 8, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का हनन। चूँकि कर्ता के पास ही व्यवसाय के नियंत्रण व प्रबंध संबंधी अधिकारों का केंद्रीकरण होता है तथा परिवार के अन्य सहभागी के पास कोई अधिकार नहीं होते, अतः प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का हनन होने लगता है। कर्ता एक वट वृक्ष के समान होता है, जिसके नीचे अन्य कोई वृक्ष पनप नहीं सकता। नंबर 9 पॉइंट है, अन्य सहभागियों का निष्क्रिय हो जाना।
संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय में परिवार के सभी सदस्यों को समान सुविधाएं उपलब्ध होती है, जबकि सारा नियंत्रण, प्रबंध व संचालनकर्ता के हाथों में केंद्रित रहता है। परिणाम स्वरूप शेष सदस्य धीरे धीरे आलसी, अकुशल और निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ हमने संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को